जिले में लड़कियां भी नशे की आदी हो गई हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब हमीरपुर बस अड्डे पर पुलिस ने घुमारवीं जिला बिलासपुर की एक युवती को नशे की हालत में चिट्टे के साथ हिरासत में लिया। लड़की की उम्र 23 साल है और लड़की को पुलिस ने 7.32 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही दो युवक संजय कुमार उम्र 25 साल, उमेंद्र उर्फ गोलू उम्र 25 साल निवासी प्रताप नगर से स्मैक बरामद की है। जानकारी के अनुसार उत्तक युवती सुमन कुमारी हमीरपुर बस अड्डे पर आई और वहां बने पुरुष शौचालय के सफाई कर्मचारी को ये कहकर शौचालय में चली गई कि पेट में दर्द हो रहा है, जिसके बाद कर्मचारी ने भी युवती की परेशानी देखकर उसे पुरुष शौचालय में जाने दिया और शौचालय में पुरुषों की एंट्री बंद कर दी। वहीं एक अन्य मामले में दो युवकों को 88 ग्राम स्मैक के साथ बाजार में हिरासत में लिया है। वहीं एएसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने बताया कि फिलहाल युवती को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और दोनों युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि सरगना को पकड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि युवती नशे की आदी है और चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थ आगे सप्लाई करती है। हाँ, पिछले दिन हमीरपुर पुलिस ने जो एनडीपीएस एक्ट में दो केसेस रजिस्टर किए हैं, इसमें एक लड़की से हीरोइन बरामद हुई है, वो 7 ग्राम से ऊपर है, इसको बस स्टैंड के पास हिरासत में लिया गया है और इसके विरुद्ध केस रजिस्टर करके जो अगली इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। ये काफ़ी टाइम से ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग जो यहाँ के भी हैं और बाहर से भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के बच्चों को ये नशीले पदार्थ बेचने का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी पुड़ियों में हीरोइन या स्मैक या चिट्टा जिसको बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको लोगों को बच्चों को बेचते हैं और इसमें दूसरे केस में दो लड़कों को अरेस्ट किया है। उनके पास से भी एक के पास 55-56 ग्राम स्मैक और दूसरे के पास 25 ग्राम स्मैक या हीरोइन बरामद हुई है। उनके अगेंस्ट भी एनडीपीएस एक्ट में केस रजिस्टर कर लिया है, उनको अरेस्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ से इस तरीके के जो कॉन्ट्राबैंड हैं, इस तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं कहाँ से लाते हैं और इस तरीके से कि किस तरीके से ये अपना नेटवर्क यहाँ पे फैला रहे हैं। तो हमारे पास और भी इनपुट हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ दिनों में हो सकता है कि हम और भी इसमें गिरफ्तारियां करें और केस रजिस्टर करें। तो हमारा ये पूरा इसमें भरसक प्रयत्न हम कर रहे हैं कि जो नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार में जितने भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।